हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल बटन को हिट करें ताकि आप पा सके मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अदरक की चटनी कैसे बनाना है साउथ इंडियन स्टाइल में। सबसे पहले हमारे को चाहिए होगा इमली। यहाँ पर मैंने लिया है 50 ग्राम इमली। इस इमली को आप 2 से 3 घंटे के लिए इस तरीके से भिगो के रखें पानी में। पानी इसका फेंके ना, इसे इस तरीके से ही स्टोर करके रखें। इसके बाद हमारे को चाहिए होगा एक जार, उसमें आप 8 से 10 मिर्ची इस तरीके से तोड़ के डालें। उसके बाद इस तरीके का जिंजर आपको लेना है, मतलब 1 इंच जिंजर 2 टुकड़े लेने हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से काट के इसमें डाल लें। डालने के बाद इसमें हम डालेंगे जो भी इमली हमने भिगो के रखी थी, उस इमली को डालना है। पानी इसमें ना ऐड करें अभी, बाद में हम उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें इसमें सॉल्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे मैंने 2.5 स्पून सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमारे को लेना है शुगर। शुगर यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 6 स्पून्स का। अगर हमारे को फर्दर में और चाहिए होगा तो फिर से हम यूज़ करेंगे। तो आगे चलते हैं और हमारे को क्या ऐड करना है इसमें। इमली का पानी, जो पानी हमने स्टोर किया था, इमली भिगो के रखी थी, वो वाला पानी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा डालना है और मिक्सी चला के इसे पेस्ट बनाना है। तो चलिए अभी हम इसे पेस्ट बना लेते हैं। जैसे ही ये पेस्ट बन जाते हैं उसके बाद एक बार टेस्ट करें और उसमें सॉल्ट एंड शुगर ऐड करें। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सॉल्ट का, 1.5 स्पून सॉल्ट मैंने इसमें डाला है। उसके बाद मैंने 2 चम्मच शुगर इसमें डाला है। उसके बाद फिर से एक बार मिक्सी करने के बाद इस तरीके से पेस्ट बना लें और इसे अच्छे से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। उसके बाद एक छोटी सी पैन रख लें और इसे हीट कर लें। हीट करने के बाद इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल लें। ऑयल डालने के बाद इसमें थोड़ी सी उड़द दाल डाल लें। जैसे ही गर्म हो जाता है थोड़ी सी उड़द दाल डाल लें। उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाल लें। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई होता है इसमें थोड़ी सी राई डाल लें। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो कड़ी पत्ता भी डाल लें इसमें। जैसे ही ये फ्राई हो जाता है तो चटनी के ऊपर इसे ट्रांसफ़र कर लें। ट्रांसफ़र करने के बाद ये हो गया है तैयार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और शेयर कीजिए। अगर किसी को बताना हो तो कमेंट कीजिए। कोई डाउट हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।